हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी सूरन की सब्ज़ी यानी ओल की सब्ज़ी। हमारे यहाँ पे इसे ओल कहते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी जितना सूरन ले लिया है। तो इसे मैंने चाकू की मदद से अच्छे से ऊपर का परत हटाकर इसे वॉश कर लिया है, धो लिया है। काफ़ी इसमें मिट्टी लगा हुआ था। तो इसके हम चार टुकड़े कर देंगे। तो देख सकते हैं, इसे मैंने चार टुकड़ों में कर लिया है। तो इसे काटते समय आप हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लें, नहीं तो खुजली होने लगती है। सरसों का तेल आप हाथ में थोड़ा लगा लें इसे काटते वक्त। तो मैंने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई, उसमें डाला दो जग के करीब पानी। पानी थोड़ा गुनगुना हो चुका है। अब इसमें हम दो चम्मच भर करके नमक डालेंगे। तो नमक हम यहाँ इसलिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो सूरन है ये थोड़ा खुजली होता है। इससे जो खुजलीपन थोड़ा होता है वो निकल जाएगा और सीज जाएगा, अच्छे से उबल जाएगा। तो यहाँ पर हम कुकर में नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ हम कढ़ाई में बना रहे हैं। तो देख सकते हैं, आधा घंटा के करीब मैंने इसको उबाला है। तो अच्छे से पक गया है, 90% ये उबल चुका है, सीज चुका है। तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसका मसाला का तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा तीखा बनाने वाले हैं। तो 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली है, काली मिर्च ली है, साबुत धनिया, खड़ा मसाला, जीरा, साबुत जीरा, लहसुन, ये सब मसाले को मैंने पेस्ट बना लिया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं मोटे तवे का कढ़ाई लूँगी। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर करके मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। तो यहाँ पे तेल भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो तेल को हम चारों तरफ कढ़ाई के और फैला देंगे, ताकि जो हम सूरन डालने वाले हैं वो चिपके ना। तो एक एक करके सारे सूरन को हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। तो एक एक करके सारे सूरन को इसमें हम डालते जाएँगे। तो आप अपने बर्तन के हिसाब से डाल सकते हैं, एक बार में या 2 बार में करके आप फ्राई कर सकते हैं। तो इसे उलट पलट करते हुए हमें इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनहरा कलर में पकाएं, ताकि खाने में इसका टेस्ट जो है बढ़ जाए। काफ़ी अच्छे से देखिए पक चुका है। तो इसे हम ब्राउन होने तक, सुनहरा कलर होने तक पकाएंगे। तो ये हमारा सूरन जो है काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे मैंने निकाल के गुनगुना पानी में डाला है, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई में डालेंगे तेज़पत्ता, दालचीनी और प्याज। प्याज मैंने बड़े साइज़ का 2 लिया था। तो उसे मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है, देख सकते हैं आप। उसी तेल में हमने प्याज को डाल दिया है। तो प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, फ्राई करना है। जितना ज़्यादा प्याज भुनेगी उतना ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं, प्याज को हमें अच्छी तरीके से भून रहे हैं। तो प्याज हमारा लगभग अच्छी तरीके से भून चुका है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं। तो प्याज काफ़ी अच्छे से भून गया है। अब हमने जो मसाला का पेस्ट बना के रखा था, अब उसे हम डाल देंगे। थोड़ा जार को क्लीन करते हुए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी मैंने पहले नहीं डाला था। तो इसे भी मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ मैं कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट तक गैस पे अच्छे से पकाना है। तो गैस की फ्लेम आप लो रखें और इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक पका लें, ताकि मसाला जो हमारा है अच्छे से पक जाए। मसाला लगभग हमारा 50% पक चुका है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है, सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो 4 से 5 मिनट लगभग हो चुका है फ्रेंड्स मसाला को हमें पकाते हुए, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाला काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम जो सूरन रखे थे वो पानी के साथ इसमें डाल देंगे, और नमक का अभी तक हम इस्तेमाल नहीं किए थे तो इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के 4 से 5 मिनट इसे हम पकने देंगे। इसे हम ढक कर पकने देते हैं। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसे ढक्कन हटाकर चेक कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से पक चुका है ये हमारा सूरन की सब्ज़ी। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में, देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है फ्रेंड। अगर आप ये बनाएँगे तो आप मटन चिकन भी खाना भूल जाएँगे। वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये सूरन की सब्ज़ी। तो काफ़ी ज़्यादा देखने में इसका लुक अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। तो इसे मैंने इसीलिए 90% पका लिया था पहले, ताकि फ्राई करके हमें ज़्यादा इसे ना पकाना पड़े। और हालांकि ऐसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप,
आप इसे रोटी, चावल, पराठा, मतलब किसी के साथ खा सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा।